आज हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर वर्तमान जिला पंचायत सदस्य जिनका नाम है राम कुमार चौधरी। यहाँ पर काफ़ी संख्या में अपने तरफ से मास्क और गमछा वितरित किए हैं और लगातार कई दिनों से इनके द्वारा वितरित किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों को अभी भी वितरित करने के लिए यहाँ पर लोग फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए खड़े हैं और यहाँ पर मास्क भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा है, और गमछा भी दीजिए। और यहाँ पर अभी दिया जाएगा, यहाँ पर वर्तमान जिला पंचायत सदस्य राम कुमार चौधरी के द्वारा देखिए यहाँ पर चाचा जी को दिया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, इस कोरोना जैसे महा बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं बन पाया है और उसके बचाव के लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पर तमाम लोगों को वितरित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम कुछ जानकारी भी प्राप्त करते हैं जिला पंचायत सदस्य जी से, देखिए चाचा को वितरित किया जा रहा है उनके द्वारा। और ये और अभी हम प्राप्त करते हैं, सर जी आप ये कार्य कितने दिनों से कर रहे हैं? ये हमारा अभी 2-3 दिनों से चल रहा है कार्य, पिछले बीच में ही पिछले दिनों कुछ मास्क और अंगोछा बांटा गया है। अभी हमारा ये जब तक पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में मास्क और अंगोछा वितरण पूरा नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। सुनने में आया है सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि आप द्वारा कई हज़ार मास्क बांटे गए हैं, पिछले एक सप्ताह से बांटा जा रहा है, जानकारी मिली है प्राप्त हुई, तो इसी संबंध में आज मैंने कहा डायरेक्ट आपसे ही क्यों ना आज संपर्क करके जानकारी प्राप्त करें। और देखा भी हूँ अभी आज भी आपका काफ़ी फोटो हमारे पास आया है और यहाँ पर देखें कि काफ़ी लोगों को आप मास्क वितरित कर रहे हैं, ये सुझाव कैसे आया? देखिए जनता ने जो पद्धति चुना है, मेरा एक धर्म बनता है कि कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए या अपने आप को बचाव के लिए मास्क और गमछा बांट रहे हैं, ये मेरा धर्म है क्योंकि जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है, अपना सेवक चुना है, ये मेरा जो है धर्म बनता है। चलिए देखिए बहुत अच्छी सोच है और इसी तरह होना चाहिए, किसी भी पार्टी के नहीं है ये सदस्य और अपना कर्तव्य का पालन किए हैं क्योंकि यहाँ की ही जनता ने इन्हें जिला पंचायत सदस्य बना करके जिले इनका नाम रोशन किए, अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह की सेवा करना बहुत ही सराहनीय कार्य है और कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी इसे तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में बांटे हैं, यानी इनका जितना कार्य है उतना बहुत ही सराहनीय कार्य है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से चर्चा में जब से कोरोना लगा हुआ है तब से, या वैसे भी कोई पीड़ित परिवार हो तो उसके लिए भी ये इलाज पानी में भी सहयोग करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने ऐसा कार्य जिला पंचायत सदस्य के सहयोगी हैं उनके द्वारा भी कुछ जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। सर जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश जी। आप इनके कार्य से कितना खुश हैं ये बताइए सर? मैं इनके कार्यों से 100% सहमत हूँ और मैं तो बराबर साथ ही रहता हूँ, हम लोग आज एक हफ्ते से लगे हुए हैं, बच्चों को मम्मी को सबको मास्क वितरित कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं उनको अच्छा भी दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये काम अभी चल रहा है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए ये बहुत ही जरूरी है और हम लोग निरंतर दिन रात ये सेवा कर रहे हैं। एक महीना पहले हम लोग जो आवश्यक वस्तुएँ राशन वगैरह भी हम लोग बांटे हैं और जब भी कोई याद करता है फोन करता है नेताजी के पास, हर एक रूप में हम लोग चलाते हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर एक चीज़ में हम लोग लगे और ये प्रयास हमेशा किए जा रहे हैं। देखिए आपके सहयोगी द्वारा बताया गया है, इसी तरह संदर्भ में एक और है इनके सहयोग में, इनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। जब भी आपका नाम अच्छा लो, मेरा नाम विष्णु आनंद है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। लगभग मार्च से ही कोरोना संकट आया और हमारे जिला पंचायत सदस्य बड़े भैया राम कुमार पटेल जी, ये किसानों के नेता हैं, ये जिला पंचायत सदस्य नहीं थे तभी भी किसानों के लिए दिन रात मेहनत करते थे, चाहे वो गन्ना का मामला हो, चाहे कोई फसल का मामला हो, हम इनके कार्य से 100% खुश हैं।